आप सभी को नमस्कार। कल अनलॉक टू वायगो, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज को डेट बढ़ा दिया गया 31 जुलाई तक। शायद मे भी मेरे अंदाज से अक्टूबर तक सरकार खोलेगी भी नहीं। शिक्षा का जो ये है वो सरकार की नज़र में सबसे लास्ट पायदान पे आता, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब कुछ खुल चुका है, कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट सरकार की नज़र में कुछ है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि कोरोना जो है सिर्फ कोचिंग संस्थान में और स्कूल कॉलेज में ही बसा हुआ, बाकी हर जगह से कोरोना महामारी चला जा चुका है। बस में ठूस ठूस के 40-45 लोग जा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल कॉलेज कोचिंग 20-25 बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते। ये सरकार की रूल है या नियम है वो पता नहीं, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों की जो स्थिति है, एक वीडियो पिछले वीडियो के बाद पूरे देश से प्राइवेट शिक्षकों के जो फोन आया, उस वीडियो के बाद मुझे शब्द नहीं है बताने का उनका दर्द कैसा है। एक घर में एक आदमी कमाने वाला है जो 10-50 बच्चे को पढ़ा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करके अपने घर फैमिली चलाता था, जो 4 महीने से बंद है, जो 4-5 महीने से बंद है, 5वां महीना भी बंद रहना पड़ेगा। लेकिन सर उसके लिए कोई नहीं सोचेगा, लेकिन उसके इनकम के लिए कोई नहीं सोचेगा। कल रात में एक कहां से महिला नॉन महिला ने फोन किया कि सर प्राइवेट शिक्षक का जो दर्द बयां किया वो सही बयां, क्योंकि वो उनके हस्बैंड नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, घर में 10-20 बच्चों को पढ़ा के अपने जीवन को आप चला रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उनका आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे लिए शब्द नहीं कि हम उनको क्या हेल्प कर सके। मेरे पास वर्ड नहीं है सर कि स्थिति कैसी है, प्राइवेट में काम करने वाले शिक्षकों की स्थिति कैसी, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं उसको बता सकूं कैसी स्थिति आपके लिए। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनको एक टाइम खाना बना के खा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से उनके पास कोई साधन नहीं है, इनकम नहीं है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते सर, अब सबको समझना होगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। आप उन शिक्षकों के प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों के बारे में सोचिए, तो 4-5 महीने से घर में बैठे हैं, 4,000-5,000 वो स्कूल में पढ़ाते थे, अपना फैमिली चलाते थे, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोचेगा सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोचिए, जो 4-5 महीने से 5वां महीना भी बंद हो गया सर, रेंट लगता है सर, बिजली बिल लगता है, कहाँ से देंगे सर, वो बताइए सर। सर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, मेरे पास वर्ड नहीं है सर। उन बच्चों के बारे में, गरीब बच्चों के बारे में सोचिए जिनके फादर फार्मर हैं सर, मकई की स्थिति कैसी है, मौसम की स्थिति कैसी है, 5 महीने से घर में बैठे लॉज का रेंट 20,000 रुपया हो गया। बच्चों मुझे माफ़ करना, हम लोग आपको कोई मदद नहीं कर सके, बहुत कोशिश की आपका मदद करने का, रेंट माफी कुछ नहीं। आप स्टूडेंट हैं, वोटर नहीं है ना, जिस दिन वोटर बन जाएगा देश के लिए उस दिन आपके बारे में सोचा जाएगा। आप भविष्य नहीं है देश के, आप सोचते हैं हम लोग देश के भविष्य, ये गलत सोच है आपका, गलत सोच है। कोई रेंट माफी नहीं हो, कुछ नहीं सोचना। अरे बच्चों को कम से कम कहा तो दीजिए सर, कहा तो दीजिए, एक साल घर में बैठना है, रूम खाली करके वो अपना घर चले जाएंगे, और कोचिंग वाले तो कहा दीजिए एक साल कोचिंग बंद रखेंगे कि वो अपना रूम खाली कर दे सर, कहां से रेंट देंगे, अपने घर को खिलाने के पैसा, मकान का रेंट कहां से देंगे। और प्राइवेट शिक्षकों को तो कह दीजिए सर, कह दीजिए सर, क्या उनका कुछ नहीं होने वाला है, प्राइवेट शिक्षकों के, उनके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, लेकिन सर उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी बोल रहे कोचिंग कमा के बैठे, बहुत मीडिया का कोई फिक्र नहीं प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कुछ राय लेने की, सुमारी लेने की। अरे मर जाए कुछ फैमिली, क्या मर जाए, जितना कोरोना से नहीं मरेगा उतना प्राइवेट शिक्षक भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन उनका दर्द ये आंसू मेरा नहीं सर, पूरे देश के प्राइवेट शिक्षकों का आंसू है, जो एक दिन आपका नदी बन के आपको बहाएगा सर। याद आपको विश्वास दिलाते हैं सर, बच नहीं पाए प्राइवेट शिक्षकों का आंसू से आप, जैसे उनके फैमिली भूखे मर रहे हैं, एक रुपये की मदद नहीं है सर किन्हीं के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का प्राइवेट शिक्षक के बारे में सोचिए सर, मर जाएंगे उनके बच्चे भूखे प्यासे सर। आर बर्दाश्त से फाजिल लोग, इतने शिक्षकों का फोन है सर, कल के बाद और शिक्षकों का फोन क्या होगा सर, 31 तक डेट बढ़ा दिया गया है सर, क्या करे, बच्चे फोन कर रहे सर क्या करेंगे, रूम का रेंट लग रहा खाली कर दे क्या करे, कुछ तो बताए सरकार, कब तक बंद रहेगा नहीं रहेगा सर, एक बार खुल के बोल दीजिए ना सर। सर हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे सर, शिक्षा काम अगर देश में गलत है तो बोल दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज सब बंद कर देंगे प्राइवेट जितने भी है, खुल के बोल तो दीजिए सर कि ये गलत काम है, कोचिंग चलाना, बच्चों का भविष्य बनाना गलत काम है। लेकिन सर आपको पढ़वा
बात नहीं है कि वो प्राइवेट टीचर होगा, ये मेरे आंसू नहीं, पूरे देश के शिक्षकों का आंसू सर, एक दिन लेट उभरेगा आपको सर, बच नहीं पाइए इस शरीर आंसू से, उन प्राइवेट शिक्षकों का आंसू से बच नहीं पाए जिनके घर पे हम नहीं चलते। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो स्कूल में पढ़ा के खुद भी पढ़ते थे, अपने फैमिली भी चलाते थे, लेकिन उसको सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना एक रुपए कोई मदद करने वाला, ना सरकार प्रशासन, कोई नहीं। एक सिंपल उदाहरण बताते हैं, बैंक जाइए आप, हर काम के लिए लोन है, शिक्षा के लिए आपके और शिक्षकों के लिए कोई लोन नहीं है। आप बोलते कोचिंग चलाते, बोले बैंक में कोई लोन, स्कूल के टीचर बोलेगा कोई लोन नहीं है। देश में शिक्षा का स्तर कैसा है वो आप सभी जानते हैं, और हम विश्वास दिला रहे हैं कि कोरोना में सबसे ज्यादा तबाह होगा तो शिक्षा से तबाह होगा सर, इनको बचा लीजिए, हमारा निवेदन है प्रदेश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सर, हे जिला प्रशासन से, इन प्राइवेट शिक्षकों के दर्द को समझिए सर, नहीं तो सर ये मर जाएंगे, भूखे प्यास से मर जाएंगे, कुछ तो मदद कीजिए इन शिक्षकों का सर, निवेदन है हाथ जोड़ के सर, इन दर्दों को समझिए सर, नहीं तो प्राइवेट फैमिली इनके नहीं रह पाएंगे सर, इनका दर्द हम समझ सकते थे, आप इतने बड़े लोग क्यों नहीं समझ सकते सर, प्लीज सर इनकी मदद कीजिए सर, इनकी मदद कीजिए, मर जाएंगे इनके फैमिली भूखे प्यासे, वो किसी से मांग भी नहीं सकते, उनकी कोई मदद भी नहीं करेंगे, बच्चों के बारे में सोचिए कहां से वो रेंट देंगे सर, 25,000 रुपया 40,000 रेंट में कहां से रेंट देंगे सर, प्लीज सर समझिए हमारी बातों को सर, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार प्रशासन तक हमारे दुख दर्द पहुंच सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।